स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट गोल्डन ग्रामर का चैप्टर नंबर 32 कराने जा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 32 है वेयर डू वी फाइंड देम। यस, वेयर डू वी फाइंड देम मीन्स हम कौन सी चीज कहाँ पर हमें मिलती है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। हियर आर सम वर्ड्स दैट शो अस वेयर वी फाइंड थिंग्स और पीपल। यस, कोई चीज या फिर कोई इंसान जो भी है, जो भी चीजें हैं, जो भी हम पर्सन है या लिविंग थिंग्स है, वो कहाँ पर मिलते हैं या कहाँ पर रहते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो वर्ड्स। आई एन इन, ओ एन ऑन, यू एन डी ई आर अंडर, एन ई ए आर नियर। ओके स्टूडेंट, तो पहले मैं इसका आपको मतलब बता देती हूँ। आई एन इन मीन्स होता है स्टूडेंट अंदर। ओके, सपोज मेरे हाथ में कोई चीज है, अगर अंदर है तो वो इन है। ओके, इन मीन्स अंदर होता है। ऑन मीन्स ऊपर। ओके, सपोज ये पेन लिया मैंने, इसे अपने हाथ के अंदर ऐसे रखा है तो वो इन है। और ऑन मीन्स ऊपर। यस, जो सपोज ये कुछ टेबल है तो उसके ऊपर ये पेन है। सो ये इस टेबल के ऊपर ये बुक रखा है तो ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। किसी चीज के ऊपर रहता है तो उसे हम ऑन कहते हैं, अंदर होती है तो इन कहते हैं। अंडर मीन्स यू एन डी ई आर, अंडर मीन्स किसी चीज के नीचे। ओके, सपोज ये टेबल है तो टेबल के नीचे की अगर मैं बात करूं, टेबल के नीचे, तो उसे हम अंडर कहेंगे। और है फिर लास्ट है हमारा नियर, एन ई ए आर नियर। नियर मीन्स स्टूडेंट पास। हमारे पास जब कोई चीज होती है तो उसे हम नियर कहते हैं। लाइक दिस बुक इज नियर टू मी, मीन्स ये बुक मेरे नजदीक है। सो आप उसे नियर वर्ड से बताएंगे कि वो चीज कहाँ है, नियर है। सो दिस बुक इज नियर मी मीन्स दिस बुक, ये जो थिंग्स है वो मेरे पास है। ओके, मैं मुझसे काफी नजदीक है। तो यही है वेयर डू वी फाइंड, कौन सी चीज कहाँ पर होती है। इन मीन्स अंदर, लाइक द बुक्स आर इन माई बैग। बुक्स कहाँ पर है, मेरे बैग के अंदर है। ऑन द एप्पल इज ऑन द टेबल, और द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। फिर अंडर, लाइक द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, और द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर मीन्स किसी टेबल या चेयर के नीचे कैट बैठी है, तो उसे हम कह सकते हैं अंडर द चेयर। ओके, फिर नियर, लाइक यस दिस पेन इज नियर टू मी एंड दिस बुक इज नियर टू मी। ओके, सो ये वर्ड हम आज सीखेंगे, इन, ऑन, अंडर, नियर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो वर्ड्स है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर्स से तो आपको और भी एक वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए देखते हैं क्या पिक्चर्स दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट पिक्चर है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए वन ट्री है और इस ट्री के पास एक काउ बैठी है। ओके, सो यहाँ पर ट्री है तो इस ट्री के नीचे है ना, अंदर तो नहीं है, अंदर तो जा नहीं सकते, ऑन ट्री के ऊपर भी नहीं है बैठी, अंडर बचा और नियर बचा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ट्री के नियर मीन्स थोड़ा पास, एकदम बिल्कुल नहीं चिपक के मीन्स थोड़े से पास में, तो नियर ऐसा मतलब नियर वर्ड भी नहीं, क्या यहाँ पर सुटेबल हो रहा है, अंडर। देखिए ये ट्री है तो ट्री के नीचे, मैंने क्या कहा था, जिस किसी चीज के नीचे जब चीज होती है तो उसे हम अंडर कहते हैं। तो यस, द काउ इज रेस्टिंग अंडर द ट्री। यस, काउ कहाँ पर रेस्ट कर रही है, अंडर द ट्री मीन्स ट्री के नीचे रेस्ट कर रही है। ओके, नियर द ट्री क्यों मीन्स रेस्ट करेगी, कोई भी छांव के लिए जो है, मीन्स शेड के लिए जो काऊ है वो ट्री के नीचे बैठते हैं, या कोई भी जो जाता है उसे धूप वगैरह लगती है तो कैसे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, ट्री वगैरह दिखती है तो हम उसके नीचे रेस्ट करते हैं, तो उसके नीचे है ना, तो यहाँ पर नियर वर्ड नहीं सुटेबल होगा, यहाँ पर होगा अंडर। ओके, मीन्स ट्री के नीचे ये रेस्ट कर रही है। सो ये आपको समझ गया होगा अंडर का यूज हमें कहाँ कहाँ पर करना है। फिर सेकंड देखते हैं, द फ्लावर्स आर डैश इन द वाज। तो द फ्लावर्स आर इन द वाज, यस ये फ्लावर्स है, ये वाज है, तो वाज के अंदर देखिए उसके स्टेम वगैरह अंदर है, तो हम कहेंगे द फ्लावर्स आर इन द वाज, वाज के अंदर है। ओके, थर्ड वन इज द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री। देखिए यहाँ पर मंकी कहाँ पर बैठा हुआ है, ट्री के ऊपर, ये दिख रहा है आपको ट्री, तो ट्री के ऊपर है स्टूडेंट, ऊपर को मैंने क्या कहा था, ऑन। यस, सो द मंकी सिटिंग ऑन द ट्री।
नंबर फोर, द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द विंडो. यस, देखिए ये विंडो है, ये गर्ल यहाँ पर खड़ी है. ओके, इन तो नहीं है, अंदर नहीं है, ऑन भी नहीं है, विंडो के ऊपर भी नहीं है, अंडर भी नहीं है, इसके नीचे नहीं है. कहाँ पर है? इसके पास, मीन्स नजदीक में है. सो यहाँ पर नियर वर्ड यूज करेंगे. सो द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, मीन्स लड़की जो है विंडो के पास खड़ी हुई है, उसके नजदीक खड़ी है. नंबर फाइव, द बुक्स आर डैश द वास. तो चलिए देखते हैं, ये वास है और यहाँ पर बुक्स है, क्या अंदर है? नो, मीन्स इन वर्ड नहीं आएगा. ऑन है, वास के ऑन है, वास के ऊपर है, नो. अंडर है, क्या वास के नीचे है? नो. तो क्या बच्चा स्टूडेंट? नियर, यस, वास के पास में बुक रखी हुई है. सो वी कैन से द बुक्स आर नियर द वास. ओके, नंबर सिक्स, द बास्केट इज डैश द टेबल. यस स्टूडेंट, ये जो बास्केट है वो टेबल के कहाँ रखा है? देखिए ऊपर रखा है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं ऊपर के लिए? ऑन, ओ एन, ऑन. सो द बास्केट इज ऑन द टेबल. नंबर सेवन, द बर्ड इज डैश इट्स नेस्ट. यस, यहाँ पर बर्ड्स दिखाई दे रही है आपको और ये नेस्ट है, तो नेस्ट के कहाँ पर है? ये अंदर बैठते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट के अंदर रहते हैं. सो द बर्ड इज इन द नेस्ट. नंबर एट इज द लास्ट वन, सी द कैट इज डैश द टेबल. यस, देखिए ये कैट कहाँ पर बैठी है? इस टेबल के बिल्कुल नीचे, मीन्स इस टेबल के एक बिल्कुल ही नीचे बैठी है, एकदम नीचे. सो उसे हम अंडर यूज करेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल. ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको यूजेस ऑफ इन, ऑन, अंडर, नियर, जो वेयर डू वी फाइंड देम समझ में आ गया होगा, कौन सी चीज कहाँ पर है. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ.